Chandramo ki. एक दौर कर लीजिए भैया, उसके बाद देखिए कैसे आपके सिक्स पैक निकल के बाहर आते हैं। कम ऑन, तूने यही कह के मुझसे स्टेप लगवा लिए हैं 110 इज्दा, अब मेरे से और नहीं होता। बस इज्दा और नहीं होता का क्या मतलब है? ये जिम है, ये जिम है। हाँ करिए, थक गया हूं बस थोड़ा। दो चार दिन जो बचे हैं ना इसकी जिंदगी के, तू वो भी खर्च करवा दे। और तू मुंह में दांत ना आए, पेट में आंत ना आए, चले सिक्स पैक बनाने। पैकअप है अभी यहाँ, बस पैकअप। वेल नो नो वेल पैकअप, कैरी ऑन, नो कैरी ऑन, सब खत्म है। पैकअप या दिस वन, नो, एकदम चुप। पैकअप, सॉरी। कोई काम ना आज। एक्सक्यूज मी, सैंड को तलाक चाहिए। क्या, किसको चाहिए? सैंड को। सांड को तलाक चाहिए? और तू कौन हो रहा है? सांड का वकील हो रहा है, उसे तलाक दिलवाएगा? मैं दो खेच के लगाऊंगी ना लप्पड़, तो सारी जो बेस रिपेयर की बातें कर रहा है ना, सब बंद हो जाएंगी। यहाँ आया बिल्कुल ही आधा मुंह लेके। नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं, सांड को तलाक चाहिए ये मेरा तकिया कलाम है, आप सबको मेरा सलाम है। मैडम मैं हूँ टीनू, किसकी आइसक्रीम छीनू? दरअसल मैडम बात यह है कि मुझे ना एक सलून वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है, क्योंकि उसने मेरी आधी मूछें मूंडी। ओह माय गॉड, व्हाट अ रबिश। ओह, अंग्रेजी के आंगन के लटकते लप्पू झन्ने, तू जरा चुप रहा करना यार। मैं इस्तीफा देके निकल लूं यहां से, अगर हर बात में जो है बीच में अपना नाभा डिस्ट्रिक्ट तैने घुसाना है तो। सॉरी। अरे बोलो ना यार, कब क्यों कहा? दरअसल बात यह है मैडम कि आज मेरी सगाई थी, तो मुझे है ना लड़की वालों के घर पे जाना था, तो कल मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं चिकना बन के जाऊं, इसलिए मैं सलून में गया, तो सलून वाले ने मेरी आधी मूछे मूंडी। अब मैं परेशान हो गया हूँ मैडम कि मेरा क्या होगा। अरे क्या होगा का क्या होगा, आधी जो बची है वो भी मुंडवा लो, सफा चाट, अच्छे लगोगे। अरे नहीं मुंडवा सकता ना। वेल ब्रो, क्या सलून वालों ने पूरे शहर में हड़ताल कर दी है? नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम मैं हूँ टीनू, किसकी आइसक्रीम छीनू? मैडम दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी ने वसीयत की है कि अगर कभी जिंदगी में कभी भी मैंने मेरी आधी मुझे मुंडवाई ना, तो वो मुझे पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे। सांड को तलाक चाहिए। और पूरी मुंडली तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कहीं घूमिया बाहर, जब उगाए तो आ जाइए लौट के। नहीं मैडम मैं नहीं जा सकता ना। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं जा सकते यार? बसों वालों की या टैक्सी वालों की या ट्रेन वालों की हड़ताल है क्या? अरे दादाजी ऐसा हड़ताल बड़ताल कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरे पिताजी ने मुझे ये आधी मुछों में देख लिया है, और अब मुझे वो जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। सांड को तलाक चाहिए। यार जब इतने सेल्फ एनफोर्स्ड रूल्स के संग जी रही है फैमिली तुम्हारी, तो हमसे क्या चाहिए, हम क्या करें?
मैडम आप मैंने वो सलून वाले को बुलाई है और उसकी अच्छा चलो भाई नौकरी पे आए हैं कुछ तो काम करना ही होगा। हाँ जी जी मम्मी जी बुलवाओ भाई इसके सैलून वाले ने। ओके आए ओ बिल्लू मैडम मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। हाफ डे ले ले अगर तेरे लगता है कि तू डिजर्व करता है हाफ डे की छुट्टी तो ले ले ना ले ले। नहीं ठीक है मैं यही हूँ मैडम। एक चाय मंगा ले फिर मार लिए। फॉलो हिम वाइल्ड मॉम फिर से आ ले आओ जी सलून वाले को। नमस्ते मैडम मैं हूँ सल्लू सलून वाला कसम उस तरह की। हाँ भाई इसको देख के बता पहचानता है नहीं पहचानता। नहीं जी मैं नहीं पहचानता। हिडम मैं जानता हूँ ये मेरे सलून में आए थे दाढ़ी बनवाने के लिए। और तैने जो है दाढ़ी के संग आधी मूछ मूंड दी। अरे मैडम लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है कसम उस तरह की। थारा नहीं है तो क्या सलमान खान का हो रहा कसूर बेचारे का। किसका हो रहा कसूर किसका। मैडम इसमें इनका कसूर है। क्या बेवकूफ आदमी हो कोई आदमी खुद जानबूझ के अपनी आधी मूछ क्यों मुंडवाएगा। या इसकी आधी मूछ कट जाने से इसको नहीं मिल रही है जायदाद इसदा हसीना रात दिन करती है मुझे याद इसदा। वो हसीना है ना है पोपली आंटियां है वो जो हंसती है तो ऐसी आवाज निकलती है कि बिल्कुल चुड़ैल वाली। क्या कह रहा है यार क्या थारा बोल रहा है तो कसूर। मैडम अगर ये मेरा कसूर बोल रहा है तो इससे ही पूछे ना कि मेरा क्या कसूर है। हाँ शान को तलाक चाहिए। मैडम मैं आपको बताता हूँ देखिए मुझे क्या है कि दाढ़ी बनाते समय चुटकुला सुनने की आदत है वो क्या है थोड़ा टाइम पास हो जाता है तो मैंने इनसे कहा कि चुटकुला सुनाओ है। तो इन्होंने चुटकुला सुनाया कि नहीं सुनाया। हाँ सुनाया ना और इतना अच्छा सुनाया इतना मजेदार कि मुझे बहुत जोर की हंसी आई और मैं इतना हंसा कि उस हंसने के चक्कर में मेरा उस तरह कुछ इस तरह चला कि इनकी मूंछ आधी कट गई कसम उस तरह की। अच्छा क्या है यो हिलेरियस जोक जरा हम भी सुने काफी डिप्राइव चल रहे हैं ह्यूमर से। सुनाओ टीनू फ्रेश बिल्कुल सुनाओ क्या था। मैंने सुना है कि एक हाथी और एक चींटी। हाथी और चींटी वाला है भैया मस्त लग रहा है। माने हाथी और चींटी दोनों दोस्त हैं। अब हाथी और चींटी दोनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने जाते हैं। ओ पोपले पंचलाइन आने दे इतना जो है प्लीज कैरी ऑन। हाथी को देखकर आइसक्रीम वाला भाग गया। मैडम मैडम देखा आपने देखा कितना मजेदार चुटकुला था। अब इतना मजेदार चुटकुला सुनने के बाद मैं कैसे ना हंसूं कसम उस तरह की। वाकई काफी मजेदार चुटकुला था का इतना हिलेरियस था यार। मतलब ये तो बढ़िया है कि मैं सर्जन नहीं हूँ है ना वरना मान लो मैं सर्जरी करते हुए सर्जन होती और ओटी में खड़ी होती चाकू वाकू लेके इतने में नर्स कहीं अगर मन ने ये चुटकुला सुना देती तो मैं तो पता नहीं फिर क्या काट देती है ना। बिल्कुल थारी गलती नहीं है इसमें हिलेरियस तो गुड जा तू बेकसूर है। थैंक यू मैडम थैंक यू कसम उस तरह की। मैडम आपने इसे जाने क्यों दिया। ज्यादा ना मारे से यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग में मत हो जाने क्यों दिया और किसे बुलाया और चाय क्यों पिलाई।
यो बता एक जो कॉमन क्वेश्चन की मैं कॉमन सेंस के पूछ रही हूँ। थारी ये जो जायदाद आदि मुझ कटने से तैने ना जाएगी तो फिर किसे जाएगी? डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हो रहा? मेरे घर के नौकर को। हाँ, मेरे डैडी ने वसीयत की है कि अगर कभी जिंदगी में कभी मैंने अपनी मूछें मुंडवा दी तो सारी जायदाद मेरे घर के नौकर को जाएगी। सांड को तलाक चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना, ये और जो है 6-8 महीने बाद बता लियो तू कि जी नौकर को बसिया जाएगी और बुआ के नाम पे जो है हवेली लिखी है। सॉरी। अबे तुम यहाँ क्या खड़े जो है मुंह देख रहे हो, बुलवाओ नौकर ने। आए आए ले आए जी इसको। नाम? कुसुम। अबे तुम्हारी बीवी का नाम नहीं पूछ रहे बे, अपना नाम बताओ अपना। आपका नाम हमको कैसे पता रहेगा साहब? अबे हम अपना नाम क्यों पूछेंगे बे तुमसे, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम क्यों जानना है तुम्हें? जी मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, मेरा नाम है कुसुम, कुसुम कुमार शराफत से। अब शराफत से ये भी बता दो कि तूने उस सलून वाले को क्यों कहा कि टीनू की मूछ कर दे साफ इज्जत, वरना हम नहीं करेंगे तुम्हें माफ इज्जत। हमको पता था ये बात जरूर उठेगी और वही हुआ। साहब एक बात बताइए, हमारी 3 प्रिया टीनू साहब के परिवार का मक्खन खाया है तो हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं शराफत से? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये सब तुमने नहीं किया है? नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं किया है और ये सब हम पल्लवी जी की कसम खा के कह रहे हैं। पल्लवी जी कौन है, तुम्हारी मम्मी है? नहीं नहीं, पल्लवी जी तो मेरा डैडी का नाम है। जी, और मम्मी का नाम है राकेश, राकेश कुमार। अबे कैसी फैमिली है भाई, हैं? पापू पापू। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब तुमने नहीं किया, बताओ। सबूत ये देखिए साहब, और ये कागजात हमने वकील साहब से बनवा रखा है और इसमें लिखा है कि जो जमीन जायदाद है उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी लिखा है वो टीनू जी के हैं और टीनू जी के ही रहेंगे शराफत से। और ये बात हम हेमा की कसम खा के कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हु इज हेमा, तुम्हारी बहन? नहीं नहीं जी, हेमा तो मेरा भाई का नाम है। बहन का नाम है धर्म, धर्म कुमार शराफत से। अबे सबसे पहले ना तो तुम अपने फैमिली के सारा नाम चेंज करो। yes! और दूसरी बात, निकलो, ये लो पकड़ो, निकलो जी। यार हमें लगता है कि ये बेकसूर है। तो टीनू की जो मूछ कटी है कोई हादसा तो नहीं है? जो कुछ भी है पता लगाना पड़ेगा। गोपी। यस सर, टोल्ड हिम आई एम सो रबिश। गुड, कम हियर। अब सुनो कि तुम्हें करना क्या है। वेल सर, डोंट वरी इज द बोलो हरि ओम हरि इज द। देखो भाई, मेरी दाढ़ी ना एट टका टक सफा कट करनी है, गाल नहीं कटनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अरे साहिब, आप काय को चिंता करते हो हैं? एक बार को कंप्यूटर फेल हो सकता है लेकिन सल्लू सलून वाले का हाथ कभी फेल नहीं हो सकता, कसम उस तरह की। और एक बात और सुनो। हाँ जी। ये मूछ का बहुत ध्यान रखना है। हाँ हाँ। ये मूछ मैं खुद काटता हूँ, मूछ नहीं कटनी चाहिए, ठीक है? अरे आप परेशान क्यों होते हो साहब, आप उठाओ उसको, उठाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, कुछ भी नहीं होगा, आप तो बस एक जोक सुनाओ। जोक है? अरे जोक सुनाना, मजा आता है, टाइम पास होता है, अच्छी शेविंग भी हो जाती है, हैबिट हो गई है, कसम उस तरह की। अच्छा? हाँ। लो फिर बिल्कुल नया फ्रेश फ्रेश चुटकुला, किसी ने सुना भी नहीं होगा, सबसे पहली बार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ। क्या होता है, एक बार एक हाथी होता है। हाँ। वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेके ना चींटी के घर जाता है। हाँ। चींटी ना शादी के लिए मना कर देती है। पूछो क्यों मना करती है? क्यों? वो कहती लड़का मोटा है। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है भैया, क्या दाढ़ी बनाई है, हैं? और चुटकुला सुनने के बाद बनाई है।
ना ही तुम्हारे हाथ हिले ना ही मूंछ कटा, क्या बात है, है? साहब आप, हाँ आप, हाँ हम, बताओ जरा बताओ, अब सीधे सीधे बता दे किसने सारा कांड रचा है और किसके कहने पर तूने उस तीनों की मूंछ उड़ा दी। बताता हूँ साहब, बताता हूँ आपको, सब सच सच बताता हूँ, वो कौन है, कसम उस तरह की ही। गुड बॉय। मैडम मुझे मत मारो, मैंने आपको बता तो दिया है कि मैंने जो कुछ भी किया इनके कहने पर किया, कसम उस तरह की। चुप। और तू, अव्वल तो मैं किसी छोरी पे हाथ ना उठाती, पर थारा यो जो गोल सा, जो इरिटेटिंग सा मुंह है ना, इसे देखते हुए आई कैन मेक अ एक्सेप्शन। तो जल्दी से फूट ले, क्यों किया यो सब बता ले यहाँ। बताती हूँ मैडम। दरअसल मैडम, नमस्ते मैडम, मैं हूँ जूनी, मेरी मम्मी है बातूनी। तो मैडम, मेरी मम्मी बातूनी मेरी शादी टीनू के साथ करवाना चाहती थी, वो भी जायदाद के लालच में। और मैडम सच ये है कि मैं टीनू से शादी नहीं करना चाहती थी, दरवाजा खोल के। सच तो मुझसे कर लो ना शादी। चल हट। हाँ मैं तो सबके लिए ऑप्शनल हूँ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ और मेरी आंखें भी हरी हरी है, देखो गोरा चिट्टा भी हूँ मैं, ये देखो ना मेरी आंखें। तुम बोलो ना, तुम रुक क्यों गई, यहाँ सब होता रहता है, तुम चालू रखो। अच्छा तो क्या है मैडम, असल में मैंने सोचा कि अगर टीनू के पास जायदाद ही नहीं रहेगी तो मेरी मम्मी मेरी शादी टीनू के साथ करवाएगी नहीं, और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगी दरवाजा खोल के। वेल, तूने सैलून वाले को दिया पैसा इज्जत, तभी करवा दिया कांड ऐसा इज्जत। ठीक कह रहे हो दद्दू, दरवाजा खोल के। सॉरी, एक मिनट, लेकिन तैने कैसे बेरा इसकी जायदाद वाली बात। दरअसल मैडम, बातों में एक बार टीनू ने मुझे बताया था इसके बारे में और मैंने उसी चीज का फायदा उठा लिया दरवाजा खोल के। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो एक बार तुम मुझे बता देती, दरवाजा खोल देती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाए, वाए। अरे मैं तो रास्ते पे आ गया ना। मुझे पता है टीनू तुम रास्ते पे आ गए हो, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे, कहने लगी बस जूनी बस, अब उस दो कौड़ी के टीनू टटपुंजिया से दूर रहो, उसका अगर फोन आए ना तो काट देना दरवाजा खोल के। सॉरी। गलत है ये, गलत किया है तने उसके साथ और इसकी सजा मिलेगी। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने जो भी कुछ किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, प्लीज मैडम माफ कर दीजिए दरवाजा खोल के। छोड़ा, हम क्या कह रहे हैं ना, हम माफ कर दीजिए इसे ना, प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता है, उनसे पूछिए। मामला दिल का, मिश्राला माफ कर दीजिए इसे। सर की रिकमेंडेशन पे माफ कर रही हूँ तेरे, और सिर्फ माफ ही नहीं, थारे बॉयफ्रेंड से थारी शादी भी कराऊंगी मैं मंदिर में। चंद्रमुखी के रहते लोग आबाद होते हैं, बर्बाद ना होते। थारे डैडी से मैं बात कर लूंगी, अपनी मुँछे मुंडवा, अपना चेहरा ठीक कर, विश्वास है हमारे पे पूरा। तो बस फिर, हाँ भाई, केस का सोल्यूशन ये है कि ये बिकाऊ है, यो करप्ट आदमी जो पैसे लेके काम कर रहा है ये तो जाएगा जेल। और अपना गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई थारी फैमिली में वो जो एकमात्र सुंदर छोरी है ना, जो गलती से बिल्कुल सुंदर पैदा हो गई तुम्हारी फैमिली में, बाकी तो तुम सब भोंडे हो, और उसी की शादी नहीं हुई है, बाकी तो तुम सब अगली लोगों की शादी हो रखी है ना, उससे कराएगा तू इसकी शादी। कैरी ऑन। Yeah! Hey! Chandramukhi Chautala! Zindabad!